हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल थॉट को सीक्वेंस से पढ़ते हुए हमने पिछले लेक्चर में रेडिकल ज्योग्राफी तक अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद रेडिकल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है जिसको पढ़ना बाकी रह गया था, वो टॉपिक है जेंडर ज्योग्राफी का और फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म मतलब स्त्रीवाद। स्त्रीवाद यानी फेमिनिज्म को पढ़ने के लिए हमें पहले जेंडर ज्योग्राफी को समझना होगा। तो आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जेंडर ज्योग्राफी रेडिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट रहा और इम्पोर्टेंट भी है। अब प्रश्न ये है कि जेंडर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट आया कैसे। हमने रेडिकल ज्योग्राफी में पढ़ा भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में किस तरह की विषमता थी। पूंजीवादी वर्ग के लोग सामान्य वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे। उसी तरह से जेंडर ज्योग्राफी भी भेदभाव और विषमता का विषय है, लेकिन ये विषमता जेंडर को लेकर थी। स्त्री और पुरुष के बीच में समाज में जो विषमता थी, इसकी बात जेंडर ज्योग्राफी में की गई। और जेंडर ज्योग्राफी में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो ये था कि समाज में स्त्री अपने लिंग के कारण पुरुष की तुलना में कष्टदायी जीवन क्यों जीती है। समाज पुरुष प्रधान इस मान्यता पर बन गया था कि महिलाएं फिजिकली कम स्ट्रांग होती हैं और जन्म देने का प्राकृतिक उत्तरदायित्व के कारण महिलाओं के लिए अवसर कम थे, और इसलिए जीवन यापन के साधनों पर महिलाओं के कम अधिकार रहे और समाज पुरुष प्रधान बन गया था। ये समाज की त्रुटि थी, ये बात नैतिकता से बहुत हटकर थी। उसके बाद पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया 1960 में, जिसे स्त्रीवाद आंदोलन कहा गया, अर्थात फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। WSGS ने अर्थात वुमेन एंड ज्योग्राफी स्टडी ग्रुप ने फेमिनिज्म अर्थात स्त्रीवाद को इस तरह से डिफाइन किया, कहा कि ये भूगोल समाज की उन परंपराओं को समाप्त करने की विधियों को खोजने का उद्देश्य रखता है जिनसे स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जा सके। और फेमिनिस्ट ज्योग्राफी अर्थात स्त्रीवाद भूगोल की भी दो विचारधाराएं हैं, पहली है रेडिकल फेमिनिज्म और दूसरी है सोशल फेमिनिज्म। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म में महिला को आजाद करने के संघर्ष में पुरुष को शत्रु माना गया, और रेडिकल फेमिनिज्म की विचारधारा के अनुसार पुरुष लोग इस संघर्ष को असफल बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, इतना ज्यादा कि अंतर जातीय विवाह करने पर लड़की को परिवार के ही पुरुष उसकी हत्या कर देते हैं। जबकि समाजवादी स्त्रीवाद यानी सोशल फेमिनिज्म में की विचारधारा में क्या कहा गया, इसमें पुरुष को शत्रु नहीं माना गया, इसमें स्त्री और पुरुष की एकता को महत्व दिया गया। तो ये थी स्त्रीवाद की विचारधाराएं। और महिलाओं की समाज में अनेक प्रकार की समस्या रही, जैसे कि महिलाओं का सीमित कार्य क्षेत्र, स्त्री को बच्चों की शिक्षण संस्था में जाने की अनुमति नहीं होती थी, काम करने के लिए घर से बाहर जाना रिस्ट्रिक्टेड था, फ्रीडम नहीं थी, स्त्री की राय मायने नहीं रखती थी, स्त्री पुरुष बच्चों में भी भेदभाव होता था, हिंसा होती थी। स्त्रीवादी भूगोल में इन सभी समस्याओं पर बल दिया गया है। और ज्योग्राफी में भी प्राचीन समय में पुरुषों का प्रभुत्व रहा, इसी कारण से पुरुष दृष्टिकोण वाली भौगोलिक संकल्पनाएं ही विकसित हुई, महिलाओं की भूमिका न्यूनतम रही। स्त्रीवादी भूगोल में ये प्रयास किया गया कि स्त्री के विचारों को महत्व दिया जाए, उनके अनुभव और उनकी भावनाओं को भी समझा जाए। और स्त्रीवादी भूगोल 1990 के दशक में पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी में मिल गया था, और अब महिलाओं के जीवन से जुड़े कई प्रश्नों और महिलाओं का अनुभव आचरण को भी ह्यूमन ज्योग्राफी में जगह मिल गई। तो यही था फेमिनिज्म यानी स्त्रीवाद। उम्मीद है कि मेरे साथ ज्योग्राफिकल थॉट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए थॉट को काफी इजी बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी यानी उत्तर आधुनिक भूगोल को समझेंगे कि आगे भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।